क्या चीज है कि आईसीसी ने जो है वो क्रिकेट का जो एंथम है वो रिलीज किया भाई, और वो सिर्फ इंडिया के लिए था क्या? क्या इसको इंडिया ने स्पॉन्सर्ड किया हुआ था कि सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों को ही दिखाया गया? किसी भी स्पोर्ट्स के इवेंट के अंदर उसकी पहचान होती है सबसे पहली उसका एंथम। मैंने भी देखा फिर एंथम, पाकिस्तान टीम एक दफा आई है उस एंथम में और इंडियन टीम को 21 मरतबा उस एंथम में लाया गया, 21 मरतबा और एक मरतबा इंडियन टीम तकरीबन आप कह लो कि 3 मिनट के पूरे एंथम में ना इंडियन टीम सारी आई है, हर पूरे एंथम में इंडिया है और पाकिस्तान एक मरतबा आया, बाकी टीमें भी को दो दो तीन तीन चार चार मरतबा बाकी टीमें आई हैं। पाकिस्तान को एक बार तो दिखाया गया, लेकिन सबसे पहला सवाल यह बनता है कि बाकी जो टीम्स हैं उनको एक बार भी नहीं दिखाया गया, उनको क्यों नहीं दिखाया गया? आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं ना कि सिर्फ आप ये पूछें कि पाकिस्तान को क्यों नहीं दिखाया गया। सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टा ट्विटर फेसबुक किसी भी जगह देख लो ट्रोल किया जा रहा है आईसीसी के एंथम को, जी टीम इंडिया को इतनी बार क्यों दिखाया है और पाकिस्तान टीम को इतनी बार क्यों दिखाया है, तो ये तो वो फलाना टिमगाना फजूल रंडी रोने वाली हरकतें मेरे घंटे के फैंस ने करनी शुरू कर। अगर किसी बड़ी टीम से खेलना है ना, हाँ मेंटेलिटी अच्छी करनी है, इंटेंट चाहिए, तो इंडियन टीम के पास जितने बैट्समैन है ना हमारे, जो रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली, श्रेया अय्यर, जो 6 तक बैट्समैन है उनके साथ बैठ जाएं। अच्छा अच्छा, अभी शुक्र करें हमारी इनके साथ सीरीज नहीं हो रही, इससे बुरे तरीके से हमें फेंटा थे। रोहित शर्मा की शॉट लगाई है एप्पल और इंडिया का फ्लैग दिखाया गया है, उसके बाद इंडिया के प्लेयर्स दिखाए जा रहे हैं, विराट कोहली की कवर ड्राइव दिखाई जा रही है, हमारा मीडिया बैठ के ये बात कर रहा है कि जी ये वर्ल्ड कप भी आईपीएल की तरह बिक चुका हुआ है, इसमें भी इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया जाएगा और फिर जो है वो बॉल में चिप लगाई जाएगी, पीछे चेंज की जाएगी 2023 वर्ल्ड कप की तरह। मेरे घंटे का मीडिया इंसान के बच्चे बन जाओ। तो आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का एंथम रिलीज कर दिया है और इसे एज ए ट्रेलर भी देखा जा सकता है, लेकिन जब ये एंथम रिलीज हुआ है तब जहां पूरी दुनिया इस एंथम को एंजॉय कर रही है, पूरी दुनिया के जो क्रिकेट प्रेमी है वो इसे देख रहे हैं, इंटरनेट पे शेयर कर रही है, जो फैंस है खिलाड़ियों के वो खुश नजर आ रही हैं, लेकिन ये एंथम देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया इसमें कमी निकालने लग चुकी है। इस समय पाकिस्तानियों की बात करूं तो इन्होंने गिनना शुरू कर दिया कि भारत की टीम को इस एंथम में कितनी बार दिखाया गया और पाकिस्तान की टीम को कितनी बार दिखाया गया है। लिटरली इन्होंने गिना है और इन्होंने गिन के ये बात बताई है कि भारत की टीम को इस एंथम में 21 बार दिखाया गया और पाकिस्तान की टीम को सिर्फ एक बार दिखाया गया। अब मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान को एक ही बार दिखाया गया और भारत को 21 बार ही दिखाया गया है, लेकिन ये एंथम रिलीज किया किसके लिए गया है? अब ये बात करते हैं, ये रिलीज क्यों किया गया है? वर्ल्ड कप होने वाला इतना बड़ा इवेंट है, इसकी हाइप बनाने के लिए, इस इवेंट की जो व्यूअरशिप है वो बढ़ाने के लिए, इसकी ऑडियंस को एक्साइट करने के लिए, क्रिकेट फैंस को एकजुट करने के लिए ये एंथम बनाया गया है और क्रिकेट के जो फैंस हैं उनको एक्साइट करने के लिए एंथम रिलीज किया गया है और इसीलिए इसे शूट भी किया गया है। सबसे ज्यादा क्रिकेट के फैंस कहां रहते हैं एक देश में? अगर वो भारत में रहते हैं और अगर उन्हें एंथम दिखाया जाए जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाड़ी, क्या चीज है कि आईसीसी ने जो है वो क्रिकेट का जो एंथम है वो रिलीज किया भाई, और वो सिर्फ इंडिया के लिए था क्या? क्या इसको इंडिया ने स्पॉन्सर्ड किया हुआ था कि सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों को ही दिखाया गया या इंडिया के जो है वो स्टेडियम्स को ही दिखाया गया, बाकी किसी को क्यों नहीं दिखाया गया? और सबसे ज्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं ज्यादा दिखाया गया? अब सबसे पहले अगर बात करें ना तो ये जो पाकिस्तानी इस बात पर रो रहे हैं, पहली बात यह है कि भैया पाकिस्तान को एक बार तो दिखाया गया, लेकिन सबसे पहला सवाल यह बनता है कि बाकी जो टीम्स हैं उनको एक बार भी नहीं दिखाया गया, उनको क्यों नहीं दिखाया गया? आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं ना कि सिर्फ आप ये पूछें कि पाकिस्तान को क्यों नहीं दिखाया गया? आप देखेंगे बाकी बहुत सारी टीमें हैं, आईसीसी को तो ये चाहिए ना भाई कि अगर आईसीसी एक एंथम रिलीज करता है भाई तो आईसीसी के अंडर जो भी टीमें आती है ना उन सबको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर जो है आईसीसी ने जो है वो 3 से 4 टीमें जो है उन्हें जो है फोकस किया, जिनमें इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें हैं, ठीक है? और इस पे अगर देखा जाए तो रोनाडो इतना जो है वो पाकिस्तानियों का बनता नहीं है। किसी ने एक नया एंथम जो है वर्ल्ड कप का रिलीज किया है कोई 3 मिनट और कुछ सेकंड का वो, और उस एंथम में जो है वो इंडियन टीम को ज्यादा दिखाया गया, पाकिस्तान टीम को एक बार दिखाया गया। भाई मैं देख रहा हूं आज सुबह से पाकिस्तान में ये बात इतनी तेजी से फैल चुकी है, हर न्यूज चैनल के ऊपर इसको ब्रेकिंग न्यूज करके बनाया के दिखाया जा रहा है, उसके बाद हमारे सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टा ट्विटर फेसबुक किसी भी जगह देख लो ट्रोल किया जा रहा है आईसीसी के एंथम को, कि जी टीम इंडिया को इतनी बार क्यों दिखाया है और पाकिस्तान टीम को इतनी बार क्यों दिखाया है, तो ये तो वो फलाना टिमगाना फजूल रंडी रोने वाली हरकतें मेरे घंटे के फैंस ने करनी शुरू कर दिया है कि मेरा बॉब्जी क्यों नहीं है अंदर, आपका बॉब्जी आयरलैंड से एल लगवा रहा है इसलिए नहीं है अंदर। अब आईसीसी का जो एंथम आया वो मैंने देखा है, उसमें अभी देखो इतनी यक बंदे हैं ये हमारा मीडिया, उन्होंने सारे उन्होंने काउंट किया है, उन्होंने काउंट किया कि इंडिया को कितनी बार लाया और पाकिस्तान को कितनी बार लाया। सुबह हमारा मीडिया बता रहा था, मैंने हेडलाइंस भी ये सुनी, आपको पता है कि सुबह सुबह हर बंदा हेडलाइन सुनता है, मैंने सोचा यार ये क्या बात है, फिर मैं टीवी आगे करता रहा हूं, मैंने चैनल आगे किए हैं तो हर चैनल के ऊपर एक ही बात है,
कि जी इंडिया इंडिया ने फिर बाजी ले ली, इंडिया ने फिर पैसे दे के अपना नाम बना लिया। ये बातें पाकिस्तान में चल रही हैं कि जी इंडिया की वजह से ही आईसीसी ने जो है वो दूसरा सेमीफाइनल भी शिफ्ट किया, इंडिया को दूसरा सेमीफाइनल दिया। ये जो कह रहे हैं कि भाई साहब जो है वो बीसीसीआई ने स्पॉन्सर किया हुआ है भाई, तो एंथम का तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत यह है कि आईसीसी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर अगर कोई है ना वो बीसीसीआई है। सबसे ज्यादा पैसे आईसीसी को कौन देता है? बीसीसीआई देता है। सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स किसके हैं? बीसीसीआई के, इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स हैं, ठीक है। तो जहां से फायदा जो हो रहा है आईसीसी को, जाहिर है आईसीसी उनको भी तो फायदा देगा, आईसीसी उनको तो दिखाएगा ही दिखाएगा, वो बात इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। हमने हमेशा देखा, आज पहली बार नहीं है, हमेशा हमने देखा है कि आईसीसी इंडिया की ज्यादा सुनता है, आईसीसी इंडिया की ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। इंडिया के सामने बाकी जो भी टीम हो ना, अगर कोई जो मुकाबला हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आईसीसी का झुकाव जो है इंडिया की तरफ ही होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। और ये मेरे जो इंडियन दोस्त जो देख रहे हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बोर्ड कौन सा है? इंडिया का बोर्ड है। तो अब हमें ये सारा रोना धोना करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें ये रोना धोना नहीं करना चाहिए कि यार इसका फ्लैग क्यों दिखा दिया, इसका नहीं दिखाया, उसका क्यों दिखा दिया, इसका नहीं दिखा दिया। ये तो मैंने अपनी राय दे दिया कि आईसीसी को सबको दिखाना चाहिए। देखा फिर एंथम, पाकिस्तान टीम एक दफा आई है उस एंथम में, और इंडियन टीम को 21 मरतबा उस एंथम में लाया गया, 21 मरतबा और एक मरतबा इंडियन टीम तकरीबन आप कह लो कि 3 मिनट के पूरे एंथम में ना इंडियन टीम सारी आई है, हर पूरे एंथम में इंडिया है, और पाकिस्तान एक मरतबा आया, बाकी टीमें भी को दो दो तीन तीन चार चार मरतबा बाकी टीमें आई हैं। रोहित शर्मा को लाया गया है, रोहित शर्मा की शॉट लगाई है पुल, और इंडिया की इंडिया का फ्लैग दिखाया गया है, उसके बाद इंडिया के प्लेयर्स दिखाए जा रहे हैं, विराट कोहली की कवर ड्राइव दिखाई जा रही है। और अब जब इन्होंने ये देखा कि यार पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्लेयर्स तो है ही नहीं, इसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयरों को तो इंपोर्टेंस ही नहीं दी जा रही, ये सारे तब खलोते हैं। इन्होंने जाके आईसीसी की पेज को स्ट्राइकें मारना शुरू कर दी है, इन्होंने आईसीसी की पेज पर जाकर गालियां देना शुरू कर दी है। हमारा मीडिया बैठ के ये बात कर रहा है कि जी ये वर्ल्ड कप भी आईपीएल की तरह बिक चुका हुआ है, इसमें भी इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया जाएगा, और फिर जो है वो बाल में चिप लगाई जाएगी, पीछे चेंज की जाएगी 2023 वर्ल्ड कप की तरह। मेरे घंटे का मीडिया इंसान के बच्चे बन जाओ, क्यों यार गलत चीजें लोगों को दिखाते हैं। जितने भी मेरे सोनू पीली चप्पल टाइप के बंदे हैं ना, ये जो बैठ के पीछे करते रहते हैं ना, इनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। आईसीसी ने बोला था कि 1 और 2 मई तक अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड जमा करवा दो, इंडिया ने इतनी प्रोफेशनल तरीके से अपना स्क्वाड अनाउंस किया। आई थिंक इंडिया उन टीमों में आ रहा जिनका स्क्वाड बड़ी जल्दी आ गया था, 1-2 टीमों में आ जिन इंडिया ने जो सबसे पहले अपना स्क्वाड अनाउंस किया था, ठीक है। फिर स्क्वाड के बाद एक उन्होंने बड़ा जो है वो मॉडर्न तरीके से सबका अपना स्क्वाड अनाउंस किया, रोड के ऊपर जो उन्होंने वो चलाया था, उसके बाद फिर टीमों ने नकल की, हमने भी नकल की, और सब ने नकल नकल की दिया कि हम भी कुछ अलग तरीके से अपना स्क्वाड अनाउंस करें। फिर क्या हुआ, रोहित शर्मा ने और अजीत अगरकर ने एक प्रोफेशनल तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्लेयर टू प्लेयर बात की गई कि यार इसको क्यों रखा है, इसको क्यों नहीं रखा। फिर रोहित शर्मा आपको पता है रिंकू सिंह के साथ भी खड़े हुए थे स्टेडियम में, जाके उसको समझा रहे थे कि भाई तू ड्रॉप नहीं हुआ तो खेलेगा, मतलब उसको कॉन्फिडेंस दे रहे थे, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म रोहित शर्मा ने दिखाया, और टीम इंडिया का अच्छे तरीके से स्क्वाड अनाउंस किया गया, उन्होंने वर्ल्ड कप की जो प्रोटोकॉल्स थे उनको पूरा किया, एक जो प्रोसेस से चीजें चलती हैं उस प्रोसेस को जो उन्होंने फॉलो किया रहे हैं। तो क्या वो एक्साइट होंगे, क्या वो रिलेट कर पाएंगे, क्या वो मैच देखेंगे भी? अगर कहीं किसी और देश का मैच हो रहा है तो भारतीय खिलाड़ी वो क्यों देखेंगे? लेकिन मेजर स्पॉन्सरशिप जो आती है वो भी यहीं से आती है, मेजर क्रिकेट में पैसा जो आता है वो भी यहीं से आता है, मेजर जो फैंस है क्रिकेट के वो भी यही है। लेकिन पाकिस्तानियों का लॉजिक ये है कि इतना सब होने के बाद भी, इतने सब रीजंस के बाद भी भारत की टीम को 21 बार इस एंथम में क्यों दिखाया गया? ये 21 बार भारत की टीम को इसलिए दिखाया गया है ताकि जो भारत में रहने वाले क्रिकेट के फैंस हैं वो इस एंथम को देखें, और उन्हें बार बार भारत के क्रिकेटर, भारत की टीम इस एंथम में दिखाई दे। और आईसीसी यही मार्केट करना चाहता है कि आपके लिए ही ये इवेंट किया जा रहा है, क्योंकि पैसा मेजरली इन्हीं की जेब से आना है, और आईसीसी बताना चाहता है भारत के दर्शकों को कि उनके पसंदीदा क्रिकेटर इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसलिए इस इवेंट को जरूर देखें। और बार बार उनको ये बात रिमाइंड की गई है, उनके दिमाग के सबकॉन्शियस को टैप करके बार बार ये बताया गया है कि इस इवेंट में इतना शानदार गेम होने वाला है, इतना शानदार आपको गेम देखने को मिलेगा, इतने बड़े बड़े शानदार खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए 21 बार भारत के जो क्रिकेटर हैं उन्हें दिखाया गया है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक बार इसलिए दिखाया गया है क्योंकि आईसीसी को पता है कि पाकिस्तान से उसे पैसा नहीं आता, और बहुत सारे ऐसे भी देश होंगे जिनके खिलाड़ी, जिनके टीम इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन उन्हें इस एंथम में दिखाया ही नहीं गया, उनके खिलाड़ियों को इस एंथम में जगह नहीं मिली। लेकिन दिखाया इसलिए नहीं गया होगा क्योंकि वहां शायद इतनी बड़ी क्रिकेट की ऑडियंस नहीं होगी, और शायद आईसीसी को पता होगा कि यहां से इतना रेवेन्यू नहीं आना है, और जहां से इनको ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है और जहां
आईसीसी को ज्यादा रेवेन्यू आना है, वहाँ लेजर फोकस तरीके से इसे मार्केट किया गया है। इसी वजह से भारत की टीम को, भारत के खिलाड़ियों को 21 बार दिखाया गया है। भारत के जो मुख्य क्रिकेटर हैं उन्हें भी इस एंथम में दिखाया गया है। और एक बात जो पाकिस्तानी भूल जाते वो ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को जो पैसे मिलते हैं वो भी भारतीयों की जेब से ही जाते हैं। ऐसे में आईसीसी को जो ज्यादा पैसे देगा, सिंपल सी बात, आईसीसी उनका ध्यान तो रखेगा। तो आईसीसी की जो फंडिंग भारत से होती है, स्पॉन्सर सारे के सारे भारत से हैं, ऑडियंस मेजोरिटी जो भारत से है, तो फिर उनकी पसंदीदा टीम को क्यों नहीं दिखाया जाएगा? और अगर आईसीसी इस तरीके के एंथम में भारत की टीम को 21 बार दिखाती है और पाकिस्तान को एक बार दिखाया जाता है, और इसको अगर पाकिस्तान को दिक्कत है इस चीज से, तो एक काम कर सकते हैं, जितना पैसा भारत आईसीसी को देता है उससे ज्यादा पैसा पाकिस्तान आईसीसी को दे और उसके बाद कहे कि हमारी टीम को अगले एंथम में 22 बार दिखाना। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग बिना सिर पैर की बातें करते नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इनको इससे बेहतर तरीके से समझाया नहीं जा सकता है। आईसीसी से विनम्र निवेदन है कि अगला कोई इवेंट हो तो उसमें एक फार्मूला आजमाए कि आईसीसी को जो जितनी ज्यादा फंडिंग देगा, जितना ज्यादा पैसा देगा एंथम में, उसको उतने प्रतिशत भाग जो है वो अलॉट किया जाएगा। मुझे लगता है कि जब ये फार्मूला इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके बाद पाकिस्तान की ये एंथम वाली चू चू जो है ये आना बंद हो जाएगी। दोस्तों एंथम वाली से पाकिस्तान की रुदाली पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए।